साथियों, हमीरपुर के हमारे इस क्षेत्र में तो फौजी परिवारों का बाहुल्य है। हमारे ये परिवार बहुत करीब से जानते हैं कि कांग्रेस का इतिहास किस तरह बड़ी बड़ी बातों और झूठी गारंटियों का रहा है। यही कांग्रेस है जिसके राज में हमारे फौजियों के पास पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं हुआ करते थे। यही कांग्रेस है जिसके राज में हमारे फौजियों के पास बर्फ में इस्तेमाल होने वाले अच्छे जूते तक नहीं थे। यही कांग्रेस है जिसके राज में बॉर्डर पर सड़कें नहीं बनाई जाती थी, बॉर्डर पर बसे गांवों को मूल सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। यही कांग्रेस है जिसने फौजियों को वन रैंक वन पेंशन के नाम पर 40 साल तक लगातार धोखा दिया। 40 साल तक चुनाव के 15 पहले कोई भी वादा करने में वो झिझकते नहीं है। कुछ भी वादा कर दो, अभी भी कर रहे हैं, ढेर सारे वादे कर रहे हैं। आप याद करिए भाइयों बहनों, मैंने हिमाचल के फौजी परिवारों को वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो वन रैंक वन पेंशन हम लागू करके रहेंगे। और हमने ना सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया बल्कि इसका एरियर भी पूरे सम्मान के साथ दिया। आज आप जानकर हैरान रह जाओगे कि वन रैंक वन पेंशन की वजह से अब तक लगभग 60,000 करोड़ रुपया देश भर के हमारे फौजी परिवारों के खाते में गए और यह अतिरिक्त राशि गई है। और साथियों, आपको यह भी नहीं भूलना है कि यही कांग्रेस है जिसके नेता आर्मी चीफ का अपमान करते हैं, फौज के लोगों की तुलना गुंडों से करते हैं। यही कांग्रेस है जिसके नेता सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, हमारे वीर बेटे बेटियों के शौर्य को कटघरे में खड़ा करते हैं।